हमारे जो SSP साहब हैं श्री अभिमन्यु राणा जी, इन्होंने एक टीम बनाई हुई है हमारी साहब की सब डिवीजन वाइज, जिसमें SDM साहब हैं, उसके बाद DSP हैं और लोकल SHOs हैं, और एक एक पिंड के लिए हमने एक एक बंदा अपना जो कांस्टेबल्स है वो इन्वॉल्व किया हुआ है। तो लगातार सुबह से लेकर शाम तक तो हम इनको एक तो मोटिवेट करते हैं भी ये चीज़ नहीं करनी, हमने इनके फायदे और नुकसान सारे इनको बता रहे हैं। तो ऐसे ही आपने देखा होगा यहाँ पर भी हम पिंडों में घूम रहे थे, आप हमारे साथ ही हो, तो ये जो परिवार है यहाँ पर इन्होंने सारों ने अपना ये काटा हुआ है और ये काट के ये बांध के तो भी इसको ये इकट्ठा करके रख रहे हैं। सो अवेयरनेस का तो काफी फर्क पड़ रहा है हमारे कितनी को। FIR अभी तक आपने दर्ज कर ली है? अभी हम 10-10 दिन का लेके चल रहे हैं टारगेट, जैसे हमारा पिछले 10 दिन का था 53 हमने की थी हमने जी। तो इसमें कई मान भी जाते हैं कई नहीं भी मानते हैं, पर तकरीबन अब ये है जितना इनको मोटिवेट करते हैं तो ये मान रहे हैं सबके सब जी। तो टोटल कितनी 53 FIR? हाँ टोटल 50 मेरे सब डिवीजन के, भी 10 दिन के जो हमारी ना सिर्फ मेरे पास पड़ता है गोविंदवाल साहब पड़ता है, चोला साहब पड़ता है और सदर तारन तर पड़ता है, काफी लंबा एरिया है, तो इसमें 53 हमारी अभी तक हुई है जी। थैंक यू सर। थैंक यू जी। काटी है कौन कौन सी गांव में, कितनी कितनी FIR काटी और कौन सी धारा लगाई? धारा में 220C लगी है BNS की लगी है, तो उसके बाद हमारे जो गोविंदवाल साहब में हमने काटी है 35, चोला साहब में हमने काटी है 7 और सदर थाना दार में हमने काटी है 7, तो ये टोटल 53 बनती है हमारे यहाँ से जी। तो FIR काटने के बाद लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, मतलब स्टबल बनने को लेके लोगों को क्या मैसेज देंगे? कुछ फर्क पड़ा FIR करने के बाद लोग थोड़ा डरे हैं? नहीं डरने वाली तो बात है ही है, चलो डरे भी हैं पर उनको ये जो जितना मोटिवेट हमारी तरफ से हो रहा है, ये हमारी जो टीम्स आ रही हैं क्लस्टर्स, जो हमारी टीम्स हैं ऑफिसर्स जो SDM की तरफ से भी हैं और हमारी पुलिस की तरफ से भी हैं, और जितने अब इनको क्लासेस वगैरह लगा रहे हैं, इनको जा जाके समझा रहे हैं, तो काफी फर्क पड़ा हुआ इसके।